हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज उपस्थित है आप लोगों के बीच एक नए वीडियो में और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और नए टॉपिक इस प्रकार है जो आप लोगों को TU2 में सिलेक्शन दिला सकता है। और दोस्तों, यानी कि इस प्रकार का वीडियो आप लोग यानी कि बहुत कम ही देखे होंगे, जो मैं इस वीडियो में यानी कि आप लोगों को बताने जा रहा हूं और बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, आप लोग बहुत सारे यानी कि बच्चों कमेंट करते हैं कि सर कंप्यूटर का वीडियो डालिए, कंप्यूटर का वीडियो डालिए। तो हम ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों यानी कि मैं सोच रहा हूँ जब अभी टाइम है एग्जाम का, तो हम सब्जेक्टिव भी आप लोगों को यानी कि सारा सब्जेक्टिव जितना यानी कि 15 चैप्टर से TU2 में क्वेश्चन बनता है, मैं सारा कराने का प्रयास करूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 17 दिन में यानी कि सारा जो है यानी कि सिलेबस है ना इसका यानी कि थ्योरी का सारा समाप्त कर दूं। तो उसके लिए आप लोग प्लीज एक कॉपी खरीद लीजिए आज, और कल से जो है यानी कि क्या होगा यानी कि थ्योरी का क्लास में लगाने का स्टार्ट कर दूंगा। और आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं सारा यानी कि जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है TU2 में और इस बार पूछा जाएगा, मैं सभी यानी कि थ्योरी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक बार आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं तो यानी कि जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, किसी भी हिसाब से क्वेश्चन बने तो आसानी से उसको यानी कि आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए हम ये समझिए कि रामबाण बैच है कंप्यूटर का, और रामबाण बैच के लिए आप लोगों को यानी कि तैयार रहना होगा। और जब तक आप लोग तैयार नहीं रहिएगा, हम कंटेंट दे भी रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों TU2 में कंप्यूटर को पास करना अत्यंत जरूरी है। अगर 50 में से 20 नंबर लाते हैं तो आप पास है, अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो आप फेल है। अगर TU2 में पास होना है तो हम जो थ्योरी का वीडियो करा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव जो कराया है वो तो आप लोग यानी कि देखे ही है, और जो बच्चा नहीं देखे वो जाकर के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते प्लेलिस्ट में। और जो बच्चा यानी कि TU2 में 20 नंबर नहीं, जो बच्चा यानी कि मेरा थ्योरी का क्लास कर लेगा वो 20 में से यानी कि 50 में से 20 नहीं, 50 में से 50 नंबर लाएगा। क्या 50 में से 50 नंबर लाएगा? जी हां, मैंने सही कहा, 50 में से 20 नहीं, 50 में से 50 नंबर लाएगा। मैं वादा दिलाता हूं 15 से 17 दिन के अंदर में आपको वो यानी कि कॉन्फिडेंस भर देंगे TU2 के लिए कंप्यूटर वाली वीडियो का, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कहीं से पेड कोर्स भी अगर किए होंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या बोले हम? छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग कल से यानी कि तैयार रहिए। वीडियो अब आने वाला है कंप्यूटर का, और वो वीडियो इतना यानी कि यूजफुल होने वाला है ना TU2 के लिए कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन की बात मैं कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आने वाला नहीं है। तो इसके लिए कल से आप लोग तैयार रहिए, कल से रेगुलर यानी कि कंप्यूटर का वीडियो अपलोड होगा। हो सकता है किसी कारणवश अगर मेरे पास टाइम नहीं हो तो यानी कि किसी दिन वीडियो ना अपलोड हो, लेकिन रेगुलर में कोशिश करूंगा किसी प्रकार से टाइम निकाल करके आप लोगों तक यानी कि कंप्यूटर का वीडियो प्रोवाइड करे, ठीक है। और मैं ये करूंगा क्योंकि दोस्तों आप जानते ही है मैंने कितना प्रीवियस पेपर से लेकर के MCQ पेपर भी कराए हैं, जो TU2 में इस बार उससे क्वेश्चन बनेगा। और प्रीवियस पेपर देख करके आपको लगेगा इस बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो भी इसके लिए मैं बहुत सारा वीडियो लगभग जो है यानी कि अभी भी करा रहा हूं, यानी कि TU2 न्यू एक्सेप्टेड करके जो चल रहा है, रेगुलर चल रहा है थ्योरी का क्लास, उसको भी वाच कीजिए। क्योंकि TU2 में पास होना है, अगर मेरिट में ले जाना है तो यानी कि थ्योरी को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद नॉनटेक को भी देखिए, रीजनिंग वगैरह को भी देखिए। दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन रीजनिंग का अगर टाइम रहता मेरे पास तो रीजनिंग का इतना बड़ा कंटेंट मेरे पास है ना, इतना कंटेंट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और वो कंटेंट नहीं जो पढ़े हम पढ़ाए और आप भूल गए, ऐसा कंटेंट हमारे पास नहीं है। मेरे पास वैसा कंटेंट है, हम पढ़ाए और आप सुने, जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं, ऐसा कंटेंट है मेरे पास रीजनिंग का, मैथ का। लेकिन दोस्त टाइम नहीं होने के कारण क्या कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए जो फैक्टुअली यानी कि जो मैन यानी कि जैसे अभी कंप्यूटर के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं, तो कंप्यूटर के लिए परेशान मत होइए, थ्योरी का क्लास कल से अपलोड होगा, आप लोग वीडियो को फिल यानी कि वाच कीजिएगा। देखिए दोस्त, हमारे पास सुविधा नहीं है, ठीक है ना, यानी कि सिस्टम वगैरह कुछ यानी कि परेशानी है वो नहीं है। अगर वो रहता तो हम यानी कि ऑनलाइन में आकर के यानी कि आपको बताते ऐसे करके। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, किस प्रकार का वीडियो होगा, तो मैं बता दूं कि जैसे कि यानी कि कंप्यूटर के बारे में यानी कि क्या हमको यानी कि पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, क्या से यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टॉपिक के बारे में यानी कि हम बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यानी कि डाटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सभी के बारे में बताएंगे। लेकिन इनपुट देकर के क्या करेंगे हम दोस्तों, आप लोगों को बोलेंगे यानी कि डैश दीजिए और लिखिए। इसके लिए मैं कह रहा हूं एक कॉपी लीजिएगा और कॉपी लेकर के यानी कि नोट्स बनाइएगा, और मैं वादा दिलाता हूं 15 से 17 दिन के अंदर मैं सारा
खलास कर दूंगा, जितना यानी कि क्वेश्चंस आएगा टी टू में मैं सारा चैप्टर को खलास कर दूंगा, यानी कि समाप्त कर दूंगा। तो इसके लिए आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी यानी कि जो भर्म में घूम रहे हैं उससे यानी कि बाहर निकल सके और मेरे साथ जुड़ करके आसानी से टी टू में यानी कि सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।